हेलो गाइस, तो वेलकम बैक अ न्यू एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। ओके, ये न्यू एपिसोड है, माइनक्राफ्ट का सेकंड एपिसोड है। सॉरी, तो आज के एपिसोड में हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। अब अपने लिए फुल्ली आयरन का आर्मर बनाने वाले हैं और थोड़ी सी माइनिंग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन को माइनिंग करनी है तो भाई थोड़े से भाई रिसोर्सेस तो लेने ही चाहिए। थोड़े से वुडन प्लैंक्स ले लेते हैं, आयरन तो किसी काम का नहीं है, खाने का सामान ले लेते हैं ना, और अपने लिए कुछ सामान ले लेते हैं अच्छा सा। मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास पिकेक्स है, पर एक और बना लेते हैं, वो मतलब दो और बना लेते हैं स्टोन की पिकेक्स। दो के अपन एक बना लेते हैं, एक सॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है गाइस। चलो गाइस, आज अपन माइनिंग करने वाले हैं। आपको तो वैसे मैंने बता ही दिया था माइनिंग करने वाली है, तो अब मैं देख रहा हूँ भाई कौन सी जगह पर माइनिंग करूँ स्ट्रीट माइनिंग। तो ये तो जगह बिल्कुल अच्छी दिख रही है, तो मैं यहीं से स्ट्रेट माइनिंग क्यों ना शुरू करूं। मतलब अरे गाइस, मैं टॉर्चेस लाना तो भूल ही गया। स्टिक्स, अरे हाँ स्टिक्स से, यहाँ से स्टिक्स बनाएंगे, यहाँ से टॉर्चेस बना लेंगे, जिससे अपन को ऑलरेडी 20 टॉर्चेस हो चुके अपने पास। तो चलो माइनिंग शुरू करते हैं अपनी। चलो चलो चलो, अरे यार ये ग्लाइबल जो आता है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है ये मेरे को। चलो 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 चलो, माइनिंग माइनिंग माइनिंग, नीचे तक जाओ नीचे तक। शायद हम 11th पे माइनिंग करना ठीक रहेगा हमारा, है ना गाइस, 11th पे माइनिंग करना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो चलो माइनिंग करते हैं। चलो चलो चलो, ये जब डर्ट आ रहे हैं तो बहुत ही गंदा लग रहा है मुझे। चलो फिलहाल पहला इस वर्ल्ड मतलब पहला आयरन तो मिल चुका है, वर्ल्ड का नहीं। ओके, आयरन तोड़ लेते हैं गाइस। इतना आयरन मिल चुके हैं, 5 आयरन मिल चुके हैं, पिछली बार भी 5 आयरन मिले, ओ सॉरी 6 आयरन मिले थे पिछली बार। चलो चलो चलो, अपन को फुल्ली आयरन का आर्मर बनाने के लिए 24 आयरन चाहिए। ओके, केम में आ चुके हैं, केम में अपन को मिल चुका है। बस मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि भाई पहले से ही हार्ड सेंसिविटी है, मतलब हार्ड डिफिकल्टी है। मैंने उस वाली वीडियो में सेंसिविटी बोला था। टॉर्चेस लगाते हैं, ये तो भाई केम खाली हो गई, थोड़ा सा कोयल माइन कर लेते हैं। थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पे मिल जाएगा थोड़ा सा कोयल। कॉपर भी दिख रहा है मेरे को, ये रहा कॉपर, ये भी अपन माइन कर लेते हैं, क्यों ना काम में आ जाए फिर बाद में। वैसे बहुत सारा कॉपर है मेरे पास, पर फिलहाल अपन माइन कर लेते हैं इसको, क्या पता काम में आ जाए। चलो चलो चलो, अपन के पास की तो भाई 22 कॉपर मिल चुका है, और अपन थोड़ी और एक्सप्लोर करते हैं। ओ भाई साहब, गोल्ड गोल्ड अपन यहाँ से बाद में ले जाएंगे, थोड़ा आयरन। ओ भाई साहब, बस ओपी यार, थोड़ा सा अपन को वो भी मिल चुका है लावा, जिसके पास अगर अपन शायद से लावा के पास थोड़ा सा डायमंड रहते हैं ना, यस थोड़ा से डायमंड रहते हैं लावा के पास, डायमंड के भाई डायमंड तो रहते ही हैं, थोड़ा सा खोद के देख लेंगे लावा के पास कभी मिल जाए अपन को। देख सकते हो गाइस, डीप स्लेट आ चुका है, 20 आयरन हो चुका है गाइस अपना। नीचे चल के देखते हैं, लेग नहीं मार दे इधर साइड, तो शायद से मैं आया हूँ ना, नहीं 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 पहली बार आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने माइनिंग ही कहाँ की थी। अरे गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। अब अपन ब्लॉक लगा के जाते हैं, फिर पता चला मर गए। वहाँ पे लैपिस है, कोई नहीं, अपने पास थोड़ा सा अपन को गोल्ड मिल चुका है। गोल्ड कैसे तोड़ेंगे वो मैं आपसे बता देता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल मेरे पास है क्या? नहीं,
क्राफ्टिंग टेबल बना लिया, उसके साथ एक फर्नेस। फर्नेस उसके पास अपन को ये रखना है, ये रखने को, अरे सॉरी, हाँ ये रख लेना है। मेरे पास स्टिक्स भी नहीं है, स्टिक्स बनानी पड़ेगी। बना लिए स्टिक्स। अभी अपन को आयरन के पिकेक्स बनाने के बाद इसको माइन करना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं आपको, वीडियो थोड़ी कट कर देता हूँ। ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं तीन आयरन हो चुके हैं। तीन आयरन से अपन अपनी पिकेक्स बना लेते हैं। ओके, गोल्ड मिल चुका है अपन को बहुत सारा। चार ब्लॉक बाहर लगे हुए थे, चार ब्लॉक अंदर। वाह यार, अरे भाई सब, ओ भाई, अपन भी ऑलरेडी 10 हो चुके हैं अपने पास। जितना भी आयरन है अपन तोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है इनके, अभी अपन घर जाके पकाएंगे। मेरा आयरन कम हो चुका है गाइस। अगर अभी मैं स्ट्रेट माइनिंग कर रहा था तो मैं शायद से इस लावा में गिर जाता। अरे भाई सब, आयरन ओपी यार। ये इससे पहले बंद करना पड़ेगा गाइस। यहाँ से शुरू हो गया। चलो बंद हो जाओ, बंद हो जाओ ओपी। अब अपन आराम से तोड़ सकते हैं अपने लिए आयरन। इसके अलावा तो नहीं है। और है आयरन, तो अपन अपने लिए टॉर्च लगा देते हैं। यहाँ पे अपन को मोप्स क्यों नहीं दिख रहा है, ये मुझे पता नहीं चल रहा मोप्स क्यों नहीं दिख रहा है। पर चलो कोई नहीं, तोड़ लेते हैं और आयरन। ओके, ऊपर भी एक और आयरन है भाई, कितने आयरन लगे हुए हैं। चलो कोई नहीं गाइस। अरे रे, अरे गाइस अभी ग्रेवल से मर जाता। ओके गाइस, ऑलरेडी मेरे पास 28 हो चुके हैं। अभी थोड़ा आगे चल के देखते हैं कभी अपन को मिल जाए। ओके बाद में मोब्स पीछे से आके ना मार दें, कभी पता चले इतने सारे आयरन ढूंढने के बाद मर गए। अरे यहाँ पे क्या था, अरे अबे मैंने शील्ड लाना भी भूल गया मैं भाई यार। वैसे भी हार्ड डिफिकल्टी है, भागना पड़ेगा अपन को, अपन को अपने घर जाना पड़ेगा। मोक सवार पीछे लपक गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ से आए थे अपन, हाँ यहाँ से आए थे। अपने पास तो बस ब्लॉक्स कम पड़ रहे हैं। अरे भाई किसने फोड़ा गाइस। दो मिनट रुको, मैं मिलता हूँ आपको ऊपर। तो गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ, देख सकते हो यार, बहुत मुश्किल से आया हूँ गाइस मैं ऊपर। वीडियो कट करके आया क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है अपनी। देखो भाई क्रीपर, क्योंकि गाइस अपने पास शील्ड नहीं थी ना यार। चलो भाई ये भी मर चुका है, मैं कहाँ से आया मैं बता देता। अरे यार ये फ्लोर बेकार हो गया। चलो फिर नहीं, मैं देख सकती हूँ मैं यहाँ से आया हूँ। पहले अपन इसको फिल कर लेते हैं। अरे भाई साहब मेरे को तो डर लग रहा है, धक धक हो रहा है। चलो चलो गाइस जल्दी से भाई लाइक कर दो यार। देख सकते हो 28 आयरन हो चुका है मेरे पास। चलो 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 चलो, अपन अभी अपना स्मेल्ट कर लेते हैं, थोड़ा तो अपन यहाँ से ले लेते हैं गाइस। अच्छा हुआ मैंने ज़्यादातर स्ट्रेट माइनिंग में करी, वरना मैं लावा में ही गिरता सीधा भाई। चलो गाइस डाल देते हैं, इसमें भी डाल देते हैं थोड़ा सा। जब तक भाई ये स्मेल्ट हो रहा है जब तक आप लाइक कर दो, वो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए थोड़ी वीडियो को कट कर देते हैं फिर से। तो चलो गाइस आयरन पूरा स्मेल्ट हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ से मैंने उतार लिया था।
मैंने वीडियो को थोड़ा कट कर दिया था, तो अब चलो भाई आयरन बना लेते। पहले ये सामान रख देते अपना फालतू का जो है, ये कहीं दूर जाके का ये सामान जो है फालतू का, इसे मैं लावा में फेंक दूंगा। क्या कर रहा हूँ यार, इतना कीमती सामान को कौन फेंकेगा लावा में। चलो अब अपना अपन आयरन का आर्मर बनाते हैं। पहले स्टिक्स ले लेते हैं ना अपने लिए, वो भी तो बनाना है थोड़ा सा। चलो अपना हेलमेट भी तैयार हो गया, चेस्ट प्लेट भी, लेगिंग्स भी और बूस्ट भी, पिकेक्स है मेरे पास पहले से ऑलरेडी, ये शॉर्ट भी बना ली, एक्स भी बना ली। ओके गाइस, अभी जो ये आयरन का आर्मर है, मतलब ये जो है, मतलब मेरे पास जो है स्टोन के टूल से, तब तो मैं उसमें रख दूंगा। और अभी मैं थोड़ा सा वो ले लेता हूँ, थोड़े से ट्री काट के अपने लिए चेस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत खा रहा है। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी, क्राफ्टिंग टेबल्स अपन बना लेते अपने लिए, दो चेस्ट पीस। ये भी खुल रही है, ये खुल रही है क्या? हाँ ये भी खुल रही है। चलो इसमें अपना सामान रख देते हैं फालतू का। टॉर्च अपने पास रखते हैं। चलो गाइस, अब अपना टाइम आ चुका है अपना आर्मर पहनने का। पहन लिए अपना आर्मर, बूस्ट अपना रख देते हैं। चलो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना। आपको मैं दिखा देता हूँ अपना कैसा लग रहा हूँ मैं, वही देख सकते हो। जब तक के लिए तो बाय बाय, देख सकते हो मैं कैसा लग रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बता देना। मैंने अपने लिए फुल डी आयरन का आर्मर बना लिया। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब तीसरे एपिसोड में, अपन अपने लिए ओपी से घर बनाने वाले हैं। तो जब तक के लिए गाइस लाइक कर दो मेरी वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।